हिंदुत्ववादी अराजक तत्वों को मैं बताना चाहती अच्छा। हूँ कि आप लोग ज्ञान की देवी सरस्वती को मानते हो, तो जरा इस फोटो को देख लो आप। ये कौन से एंगल से आपको ज्ञान की देवी नजर आती है? इनके हाथ में कोई भी बुक नजर तो मुझे नहीं आ रही है, और इनकी वेशभूषा से साफ झलकता है कि ये कहीं मुजरा करने के लिए जा रही हैं, तैयार होकर के बैठी हैं। अदरवाइज आप खुद देखिए कि जो पढ़ने लिखने वाले टीचर, पढ़ाने वाले टीचर हो या फिर बच्चे हो, वो एकदम सिंपल दिखाई देंगे और उनके हाथ में किताबें होंगी। उनको बोलते हैं कि ज्ञान का देवी और देवता। भारत देश में ज्ञान का देवी और देवता सिर्फ और सिर्फ सावित्री बाई फुले और महात्मा ज्योतिबाव फुले हैं, जिनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जो दुनिया के तमाम विद्वानों में से एक हैं, उन्होंने भी अपना गुरु माना है। और बाबा साहब ने भारत के संविधान में कहीं भी ज्ञान की देवी सरस्वती का नाम लिखा तक नहीं है। ये कहाँ से ज्ञान की देवी बन गई? किसने इनको ज्ञान की देवी घोषित कर दिया? एकमात्र ब्राह्मण ने। ब्राह्मणों की कही हुई बात इस देश में बिल्कुल नहीं चलेगी। कितनी डिग्रियां हासिल की हैं इन लोगों ने? ऐसे कोई देवी नहीं बन जाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, हमें इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि ये सावित्री बाई फूले को मानती है या भीमराव अंबेडकर को मानती है। तुम्हें भीमराव अंबेडकर को मानना है, बिल्कुल मानो, शौक से मानो। सावित्री बाई फूले को मानना है, तुम शौक से मानो। लेकिन यदि हमारी देवी देवताओं का अपमान करोगे, हमारे देवी देवताओं को गाली दोगे, तो यकीन मानो तुम्हारा इलाज कर दिया जाएगा गारंटी से। और जिस प्रकार से ये घटिया और गंदी मानसिकता को उजागर कर रही है, दिखा रही है अपने वीडियो में, बोल बोलकर बता रही है, और सरस्वती को बोल रही है कि लगता है ये कहीं मुजरा करने जा रही है, तो ट्विटर पर ट्वीट कर दिए हैं पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से इसका डिटेल भी डाल दिए हैं और ट्वीट कर दिए हैं ट्विटर पे। और इसकी गिरफ्तारी तो होगी, 7 दिन में ये माफी मांगती हुई नजर आएगी, गारंटी है। लिख के ले लीजिए, सादे कागज पर लिख के ले लीजिए, 7 दिन में इसकी गिरफ्तारी होगी और इसके बाद ये माफी मांगती हुई नजर आएगी, जेल के सलाखों के पीछे जाएगी। इनका एक ही जगह है, जेल के सलाखों के पीछे जाना। लेकिन इनकी गंदी और घटिया मानसिकता को देखिए आप लोग, ये हमारे देवी देवता को इस प्रकार से गाली देते हैं, इतना टारगेट करते हैं, और इसके बाद बोल रही है कि कौन सी डिग्री थी उनके पास, सरस्वती के पास। तो तुम खुद बताओ ना, आर्यभट्ट के पास कौन सी डिग्री थी, भास्कराचार्य के पास कौन सी डिग्री थी, पाणिनि के पास कौन सी डिग्री थी? यूनिवर्सिटी तो नहीं थी, गुरुकुल थे उस समय, और गुरुकुल में कागज का टुकड़ा ये जो डिग्री होती है ना, उस टाइप की डिग्री तो मिलती नहीं है, उस समय नहीं मिलती थी। तो अगर डिग्री के हिसाब से चलोगे, तो इसके हिसाब से आर्यभट्ट ने जो जीरो का आविष्कार किया, जीरो के बारे में बताया दुनिया को, तो उनके पास तो कोई डिग्री नहीं थी, यूनिवर्सिटी था ही नहीं उस समय। तो इनकी गंदी और घटिया सोच को देखिए, मतलब सावित्री बाई फूले जो है वो अपने जवानी के दिनों में क्या की क्या नहीं की हमें नहीं मतलब है, कौन उनका शोषण किया, कौन उनके साथ क्या किया हमें नहीं पता है, और हम जानना भी नहीं चाहते। अंबेडकर जी को किसी ब्राह्मण ने पढ़ा दिया, वो अपना सरनेम भी दे दिया अंबेडकर, इसके बाद से क्या हुआ, अंबेडकर जी ने ब्राह्मण की बेटी से विवाह भी किया, ब्राह्मण के साथ खुश रहे, वो ब्राह्मण विरोधी बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उनके जो चेले चपाटे हैं उनको ब्राह्मणों से इतनी जलन है भाई, इतनी मिर्ची लग रही है। तो चिंता मत करो चेली जी, थोड़ा सा इनके बारे में हम आपको बता देते हैं। इनका नाम पंचशिला बौद्ध है, रामकिशोर बौद्ध की बेटी है, एटा यूपी की रहने वाली है, अभी वर्तमान में बताया जा रहा है कि ये दिल्ली नोएडा में रहती है। तो चिंता मत करिए, नोएडा पुलिस आपसे संपर्क करेगी, और आपसे संपर्क करने के बाद आपका इलाज करेगी, आप माफी मांगती हुई नजर आएंगी। ये जितने भी दर्शक हैं, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं ना, हम ट्विटर पे ट्वीट कर दिए हैं, आप लोग ट्विटर पर जाइए, दुबे जी हिंदू, @दुबे जी हिंदू सर्च करिए, या दुबे जी ऑफिशियल सर्च करिए, ट्विटर हैंडल जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हम डाल दिए हैं स्क्रीन पर, आप देखिए और जाकर फॉलो भी करिए, फॉलो करने के साथ रीट्वीट करिए। जैसे आप लोग रीट्वीट करेंगे ना, प्रशासन संज्ञान लेगी और इनकी गिरफ्तारी होगी, बढ़िया से इनका इलाज होगा, और जितने भी ऐसे विधर्मी लोग हैं उनका इलाज करने वाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, अच्छे तरीके से इलाज करवाएंगे, हर विधर्मी का इलाज होगा।